वेलकम टू ज्ञान श्री एजुकेशन ट्यूटोरियल. हियर आई एम श्वेता अरोड़ा. तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुपर 25 क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल 2019 के लिए क्वेश्चंस हैं. ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है मैंने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड सीजीएल दैट इज कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंड सीएचएसएल दैट इज कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल. तो ये एग्जाम्स है हमारे 4th of June से स्टार्ट होने वाले हैं. 19th of June तक इसका शेड्यूल चलेगा. तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं ताकि जो हमारे जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आने वाले हैं आप उसको अटेम्प्ट कर सके. बहुत इजी क्वेश्चंस हैं तो मैंने इनको ग्रुप वाइज सेलेक्ट कर रखा है. तो आप इसको देखें और देखते ही इसके आंसर्स आपको पता चल जाएंगे ताकि हम पेपर के अंदर कंफ्यूज ना हो. राइट फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यहाँ पर दे रहा है तो बहुत आराम से देखेंगे क्योंकि वहां पर जल्दी नहीं है. आप आराम से देखें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है. कई बार हम क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में पढ़ते हैं, मीनिंग गलत उसका होता है और हम कुछ और ही उसका लिखाते हैं. तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड एज योर आंसर. आंसर आपको देना है, सिंपल बात है. मेन मेरा काम हो रहा है वर्ड अपोजिट जो कि हमें कराए जाते हैं, एंटोनियम्स होते हैं, मींस उसका उल्टा आपको आंसर करना है. राइट, यहाँ पर लिख रखा है वर्ड अपोजिशन. तो फर्स्ट मेरा यहाँ पर दे रखा है हास्टन, मींस जल्दी करना. वर्ब है फ्रेंड, सबसे पहले तो हमें ये देखना है इसके अंदर इसका मीनिंग क्या बनता है, जल्दी करना. अब जल्दी करना का हमने इसका जस्ट अपोजिट उठाना है. राइट फ्रेंड्स, हमने इससे मिलता जुलता आंसर नहीं देना है. कई बार हम जल्दबाजी में वही करते हैं. तो यहाँ पर क्या है, हास्टन मींस जल्दी करना. तो इसके यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस गिवन है. इन 4 ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है. फर्स्ट डैश का होता है पानी का छींटा, इसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी. सेकेंड ऑप्शन के अंदर होता है डॉडल, मींस समय नष्ट करना. देखिए ये जल्दी करना, जल्दी करने का जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, समय नष्ट करना, मींस जल्दी ना करना. तो मेरा ये आंसर मुझे यहाँ पर मिल रहा है, दैट इज डॉडल. सी ऑप्शन में चलेंगे जल्दी हरी, हरी का मतलब जल्दी होता है तो जल्दी, तो ये सेम हो गया. तो ये मेरे ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग हो जाती है. इसके बाद हम चलेंगे डी ऑप्शन के अंदर स्टरी, मींस बोछार. इसका हमारे साथ कोई मीनिंग नहीं बन रहा तो मेरा यहाँ पर सेकेंड आंसर करेक्ट है. राइट फ्रेंड्स, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं. ये वाला क्वेश्चन, ये वाली जो हमारी ऑप्शन थी वो रॉन्ग थी. राइट, अब इसके बाद में सेकेंड में चलती हूँ स्पिरिटेड. स्पिरिटेड मींस एडजेक्टिव है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इसके बाद इसका आंसर क्या होता है, मींस सजीव या प्रफुल्ल, बहुत एक्टिव रहने वाला पर्सन. अब एक्टिव रहने वाला तो उसका बिल्कुल अपोजिट क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, डल, जो कि हम नॉर्मली जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब भी हम बोलते हैं कि ये तो डल डल सा शेड लग रहा है, या फिर डल मींस इसके अंदर कुछ भी हमें अच्छा सा नहीं है, सुस्त टाइप है, मींस इनएक्टिव टाइप है. तो यहां से मुझे आंसर मेरा डी मिल रहा है, पर फिर भी मैं अपने ऑप्शंस पे चलूंगी. मेरी फर्स्ट ऑप्शन कहती है एनिमेटेड. एनिमेटेड मींस चालित, जो चलने वाला है, जो सजीव है. तो इससे मिलता जुलता हमें ये मिल रहा है. लेकिन फिर से ध्यान रखें कि हमने इसके अपोजिट में जाना है, हमने इससे मिलती जुलती ऑप्शन नहीं लेनी है. तो मेरी फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग. सेकंड में चलेंगे एक्साइटेड, मींस उत्तेजित, वो भी इससे मिलता जुलता है. प्रफुल्ल, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाता है, मिलती जुलती ऑप्शन थी. सी में चलेंगे लाइवली, मीन सजीव, वहां पर मैंने इसीलिए लिख रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो ये भी मेरा रॉन्ग हो जाता है. सिंपल हम बोल के भी देखें तब भी मुझे पता चल रहा है कि मेरा ये इससे मिलता जुलता है, बट आई हैव टू गो इन वर्ड ऑपोजिशन. ऑपोजिशन में चलना है. फोर्थ ऑप्शन मेरी मिल रही है मुझे डल, मुझे करेक्ट आंसर यहाँ पर मिल गया डल. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में. एक बार हमें टफ लगते हैं लेकिन अगर हम इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखें, नॉर्मली हम अपने डेली रूटीन में देखें तो हमें हमारा आंसर बिल्कुल क्लियरली मिल जाता है. बहुत ज्यादा इसकी तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, हमें रियल में आंसर मिल जाता है. राइट, अब इसके बाद में नेक्स्ट ग्रुप में चलूंगी. थर्ड क्वेश्चन रहेगा मेरा, बट मैंने ग्रुप यहाँ पर चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ पे सेपरेशन लगा दिया, पेज ब्रेक लगा दिया है. इसके बाद इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच क्वेश्चन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. बहुत ईजी है ये, जो हम बचपन से करते आ रहे हैं. यहाँ पर हमें बिल्कुल क्लियरली दे रखा है कि रॉन्ग स्पेल्ड आपको दे रखी है ऑप्शन, इसमें से हमने करेक्ट स्पेल्ड लेना है. जो बिल्कुल करेक्ट हमारे पास ऑप्शन आ रही है हमने वो लेना है. देखिए सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है गारंटी. सबसे पहले तो पढ़ के देखो कि मीनिंग क्या है इसका. हम नॉर्मली यूज करते हैं गारंटी वर्ड, हिंदी में भी हम यूज करते हैं. तो यहाँ पर ये दे रखा है, ये ऑप्शन रॉन्ग है मेरी, सेकेंड ऑप्शन मेरी करेक्ट है. इसका मीनिंग क्या होता है गारंटी, हो सकता है हमें इसका पता ना चले, हो सकता है हम ये सोचें कि ये किस टाइप का वर्ड है, हो सकता है कुछ नया मीनिंग हो. तो सबसे पहले हमें पढ़ के देखना है गारंटी. गारंटी का मीनिंग होता है आश्वासन देना.
ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसका एक नॉर्मल फॉर्मल सा आंसर लिख रखा है, अफॉर्मल अश्योरेंस, मैं आपको आश्वासित करता हूं। तो यहाँ पर हमें गारंटी तो पता चल गया है कि ये हम वर्ड यूज करने वाले हैं, तो इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो मेरे पास गारंटी बनेगी, राइट, GUARANTEE। तो इसकी हम लिख लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड हमें यही दे रखा है गारंटी, तो ये ऑप्शन मेरी रॉन्ग हो जाती है, फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो मेरी सेकेंड आंसर जो मिल रहा है मुझे बी ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन, राइट। थर्ड में फोर्थ में चलेंगे हम पेसिमिज्म, मींस इसका मतलब क्या है, निराशावाद। देखिए यहां पर लिख रखा है मैंने इसका मीनिंग, तो मेरे पास ये ऑप्शन मेरी करेक्ट मिल रही है। ये हमें तब आती है चीजें जब हम दो चार बार प्रैक्टिस कर ले लिखने की, तब हमें इसकी गारंटी हो जाती है कि हमारी ये स्पेलिंग ठीक है। तो मेरी यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है, सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है, एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, निराशावाद। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, अ टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स, ठीक है, तो निराशावाद, तो निराशावाद यहाँ पर मैंने दे रखा है पैसिविज्म, करेक्ट जी। फ्रेंड्स सबसे पहले तो यही कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें देखें और फटाफट से इंप्रूव करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगी, पहले तो क्वेश्चन को आराम से समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, अदरवाइज क्या होता है हम क्वेश्चन नहीं पढ़ते, ये ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ना शुरू कर देते हैं और हमारी गलती यहीं पर ही हो जाती है। तो हम पहले आराम से तसल्ली से इसको पढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स, कि इसके अंदर कुछ एरर है, क्या एरर है वो हमने निकालना है, एंड सम आर करेक्ट, और कुछ करेक्ट है, तो चार पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, अब हमें ये बताना है कि कौन से पार्ट के अंदर एरर आ रहा है। द नंबर ऑफ दैट पार्ट इज द आंसर, और हमने यहाँ पर वो नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे देखिए मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है 1, 2, 3, 4, राइट। इसके बाद दे रखा है इज फ्री फ्रॉम एरर, कि कुछ एरर से बाहर है, देन योर आंसर इज 4। मीन्स अगर मान लो ये पूरा का पूरा सेंटेंस ठीक चल रहा है तो हमारा जो आंसर रहेगा वो फोर्थ रहेगा, दैट इज नो एरर। तो मैं अपना पहला क्वेश्चन उठाती हूँ, मीन्स जो हमारे सीरीज के अकॉर्डिंग है वो फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन मेरा कहता है द डॉक्टर सेज दैट द पेशेंट विल रिकवर इन फ्यू डेज। तो देखिए मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से ही लिख रखा है अ, यहाँ पर अ की कमी थी, यहाँ पर अ नहीं दे रखा था, तो यहाँ पर आ जाएगा इन अ फ्यू डेज। तो यहाँ पर मैंने इसका आंसर लिख रखा है अ फ्यू का मीनिंग क्या होता है, अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंग्स, तो राइट। तो मुझे यहाँ पर मेरा ये वाला आंसर मिल गया, मेरी थर्ड ऑप्शन यहाँ से ठीक है, मीन्स एरर तो इसके अंदर है, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा इन फ्यू डेज, मीन्स एरर इसके अंदर आ रहा है, और फोर्थ आ रहा है नो एरर, तो मेरा ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और मेरा ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद मैं आगे चलूंगी सिक्स क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है, ही लाफ्ड, फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है ही लाफ्ड, सेकंड में चलेंगे ऑन हर, देखते ही पता चल रहा है ये बहुत बड़ा रूल है, हम बचपन से करते आ रहे हैं, लाफ के साथ हमेशा एट यूज होता है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एट, तो मेरे पास यहाँ पर ये ऑन दे रखा है, आंसर आपका टू रहेगा, लेकिन जो एरर आ रहा है वो ऑन है, वो यहाँ पर एट आना चाहिए, तो आंसर अगर हम देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर टू आएगा। इसके बाद चलेंगे एज शी फेल ऑफ द ट्री, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये ऑप्शन मेरी रॉन्ग हो जाएगी, नो एरर भी मेरी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, तो मेरी ऑप्शन जो क्वेश्चन पेपर के अंदर रहेगी वो ये वाली रहेगी, और फर्स्ट भी मेरी रॉन्ग हो जाएगी, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट में चलूंगी, इंस्टेड ऑफ बींग हेल्पफुल ही वॉज बींग हैंड्रेंस, यहाँ पर भी देखिए रूल है, ये कुछ रूल्स होते हैं जो अगर हम अपने माइंड में रख लें तो हमारा आंसर हमें देखते ही मिल जाएगा, हमें इसकी हिंदी करने के सेंटेंस पूरा पढ़ने की बार बार नीड नहीं है, तो यहाँ पर बींग के साथ हमेशा अ आता है, तो यहाँ पर नहीं दे रखा था, तो मेरे पास जो मेरी करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा सी, दैट इज बींग हिंड्रेंस, थर्ड ऑप्शन मेरी करेक्ट रहेगी, नो एरर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा इस हिसाब से, ये भी रॉन्ग हो जाएगा और ये भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट में चलूंगी, नेक्स्ट आता है वेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा है, वेयर हैव आई, मींस फर्स्ट ऑप्शन ये दे रखी है वेयर, उसके बाद मैंने सेपरेशन लगा रखा है हैव आई टू डिपॉजिट, तो हमेशा देखिए वेयर हैव आई नहीं होता, वेयर आई हैव होता है, तो ये रूल होता है, इसको भी आप अपने माइंड में रखेंगे, मैंने यहां पर ये बना रखा है तो ये शिफ्ट करना है, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ये बनेगा, यहां पर एरर है, स्पॉटिंग द एरर इसको बोलते हैं, टू डिपॉजिट, ये थर्ड ऑप्शन है, टू डिपॉजिट फीस, तो मेरी ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, मेरी फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगी, करेक्ट। इसके बाद मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर,
By the time she had finished her work, first option है मेरे पास ये, second option में चलेंगे I had nearly given up, second option है, third option में चलेंगे all hope of arriving at the party in time, third option है मेरी, और fourth option हमेशा ही होती है no error. तो देखिए ये थोड़ा सा typical question है, हम इसको आराम से समझेंगे. इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो इसको parts में divide कर लेंगे, means action क्या कहता है हमारा. First action में आ रहा है by the time she had finished her work. तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर मेरे पास ये सेकेंड एक्शन आ रहा है. फर्स्ट एक्शन के अंदर आएगा आई हैव नियरली गिवन अप ऑल द होप्स ऑफ अराइविंग एट द पार्टी इन टाइम. ये मेरा पूरा का पूरा फर्स्ट एक्शन बन रहा है. तो मैंने ये चीज लिख दी है यहाँ पे ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो. देखिए फॉर द फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, मींस हैड प्लस यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखी है. तो ये मेरे पास फर्स्ट सेक्शन था. देखिए फर्स्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपको मिलेगा हैड और यहाँ पर मिलेगा आपको गिवन. तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल रही है. तो यहाँ पर ये चीज तो करेक्ट है हमारी. हमने बताना है स्पॉटिंग द एरर, एरर के अंदर जाना है. एरर क्या कहता है, बाय द टाइम शी हैड फिनिश्ड. तो यहाँ पर क्या है, इस हैड की नीड नहीं है क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है. मींस पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्क. देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है फॉर द सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज. तो मैंने लिख रखा है तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पर हैड नहीं आएगा, सिंपल सी बात है. इसीलिए मेरे पास ये वाली ऑप्शन मेरी करेक्ट हो जाएगी और ये सारी की सारी ऑप्शन मेरी रॉन्ग हो जाएगी. करेक्ट फ्रेंड्स. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम यहाँ पर, टेंथ क्वेश्चन दे रखा है. तो उससे पहले मैं इसका जो अपर पार्ट है वो पढ़ के बताऊंगी आपको. इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइंड below are alternatives to the underlined A, B, C, D which may improve the sentence. Choose the correct alternative. अब इसके अंदर क्या करना है, आपको ये ऑप्शन दे रखी है, फोर ऑप्शन आर गिवन. तो इसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो. ठीक है, तो मेरे पास अब क्वेश्चन आ रहा है द हिल इज टू हाई फॉर क्लाइंबिंग. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आ रहा है टू. टू का बहुत बड़ा मीनिंग है, इसको पहले मैं हिंदी में पढ़ के बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे टू जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बोला पहाड़ी इतनी ऊंची है कि इस पर चढ़ा नहीं जा सकता. तो यहाँ पर ये जो टू दे रखा है ये नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर जेरेंड नहीं यूज होगा. बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पर टू दे रखा है वहां पर आपको आपका टू प्लस इन्फिनेटिव मीन्स जो आपकी वर्ब है आपको वही यूज करनी है टू के साथ. तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन में चलूंगी, यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑप्शन मिल रही है टू क्लाइंब. और अगर मैं क्वेश्चन में चले तो यहाँ पर ये दे रखा है फोर क्लाइंबिंग, यहाँ पर आपको जिरन दे रखा है, जिरन यूज नहीं करना है. जिरन क्या होता है, मैंने यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. तो यहाँ पर मुझे ये गिवन है तो, और यहाँ पे मेरा आंसर जो आएगा वो टू क्लाइंब आएगा, मीन्स टू प्लस इन्फिनेटिव वर्ब आएगी. तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन मेरी करेक्ट मिल रही है तो यहाँ पर मुझे चेंज करने की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. बाकी सारी ऑप्शन मेरी बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग हो जाती है. राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन में चलूंगी, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज आई कैन ऑलवेज काउंट ऑन हिम इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी. तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूंगी, ये अंडरलाइन कर रखा है आप इसके ऊपर देखेंगे, या बोल्ड किया हुआ मिल सकता है या कलरफुल मिल सकता है. तो यहाँ पर हमें दे रखा है अंडरलाइन. तो इस पूरे वर्ड को अब हमने यहाँ पर देखना है, इसका मीनिंग मैंने यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिख रखा है, टू डिपेंड ऑन समवन और एक्सपेक्ट समथिंग. तो अब यहाँ पर इसके एक बार मैं हिंदी करके बताऊंगी आपको, मैं हमेशा उस पर मुसीबत के समय निर्भर कर सकता हूँ. तो डिपेंडेंसी आ रही है, तो जहां पर ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आए तो इस ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है. तो मेरी ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगी, बाकी सारी ऑप्शन मेरी क्रॉस हो जाएंगी, मेरा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करेक्ट है. राइट फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है, उसको मैंने ऊपर भी लिख रखा है, पेपर के अंदर लिखा हुआ आता है इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड. किसी सेंटेंस के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो आपका आंसर, योर आंसर इज डी. तो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो हमारा आंसर यहाँ पे डी आ जाएगा. करेक्ट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम. यहाँ पर दे रखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर ऑल्टरनेटिव चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एज योर आंसर. Means, ये सिनोनिम है, ये चीज हम अपने अच्छे से ध्यान रख के चलेंगे, दिस इज द सिनोनिम. तो अब मैं क्वेश्चन लेकर चलूंगी, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिख रखा है मेरे पास गोल, मींस इसका मतलब होता है कारागार. देखिए इन्होंने हमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे रखा है गोल. हम अगर सोचे तो ये भी हो सकता था पर ये नहीं है,
इससे मिलते जुलते ऑप्शन दे रखी है डेस्टिनेशन, ताकि हम गलत कर दें, हम ये सोचे कि इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, पर ये ठीक दे रखा है, इसका मीनिंग होता है हमारे पास कारागार। तो फर्स्ट ऑप्शन में चलेंगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में चलेंगे गार्डन, गार्डन बिल्कुल रॉन्ग है। देखिए कारागार से मिलता जुलता क्या वर्ड होता है, जेल होता है। तो मेरी थर्ड ऑप्शन जो आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है बर्ड, तो ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी बता दे कि ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 13 इज लोथिंग, मीन्स इससे सिमिलर वर्ड लेना है हमने, इसका मीनिंग क्या होता है, घृणा करना, मीन्स नफरत करना। तो फर्स्ट ऑप्शन में चलेंगे वाम, दैट इज गर्मजोशी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में चलेंगे अफेक्शन, मीन्स स्नेह, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में चलेंगे अफेक्शनेशन, मीन्स इसका मतलब होता है बनावटी बर्ताव, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में चलेंगे, फोर्थ ऑप्शन में आपको मिल रहा है हेटेड, तो ये मेरा आंसर नफरत मेरा बिल्कुल ठीक रहेगा आंसर। इसके बाद हम चलेंगे 14th क्वेश्चन में, दैट इज प्रैग्मेटिक, मींस इसका मतलब होता है व्यवहारिक, इससे सिमिलर वर्ड उठाना है, सिनोनिम यूज कर रहे हैं हम। तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, तो ये ऑप्शन मेरी करेक्ट नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में चलेंगे वाइज, वाइज का मतलब भी क्या आता है, ज्ञानी, तो ये ऑप्शन भी मेरी नहीं आएगी। सी ऑप्शन में मेरे पास आता है रिलीजियस, इसका मतलब होता है धार्मिक, जो हम सबको पता ही है इसका मीनिंग, तो ये ऑप्शन मेरी रॉन्ग हो जाएगी। फोर्थ ऑप्शन में चलेंगे दैट इज प्रैक्टिकल, तो मेरा करेक्ट आंसर मुझे व्यवहारिक बिल्कुल करेक्ट मिल रहा है, तो मेरा 14th का आंसर रहेगा डी, दैट इज प्रैक्टिकल, करेक्ट। तो फ्रेंड्स, जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, और इसके बाद अब मैं आगे क्वेश्चन में चलती हूँ। In the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted for the given words or sentence. Means, हमने क्या करना है, इसके अंदर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो यूज करते हैं, जो हम जो छोटे थे तो हिंदी के अंदर यूज करते थे, यही अब इंग्लिश के लिए है। मीन्स इसके अंदर क्या करना है, आपको बहुत सारे वर्ड्स दे रखे हैं, उन सबका शब्दों का एक समूह का एक वर्ड बनेगा, एक अर्थ बनेगा, वो बताना है हमने इसका। तो सबसे पहले मुझे 15th क्वेश्चन में चलना है। A group of three books, films, etc. that have the same subject or characters. Means, तीन पुस्तकों, फिल्मों इत्यादि का समूह जिसका एक जैसा विषय अथवा पात्र हो। Means, इन सब के अंदर आपको ऑप्शन दे रखी है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखी है ट्रिनिटी, ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन ट्रायोलॉजी, त्रेन, ये करेक्ट आंसर है मेरे पास। सी ऑप्शन में चलेंगे ट्रायो, ये रॉन्ग है। फोर्थ में चलेंगे ट्राइपोड, ये भी रॉन्ग है। तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा ट्रायोलॉजी, राइट। इसके बाद मैं 16th क्वेश्चन में चलूंगी। अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन रेस, मीन्स मानव जाति का अध्ययन, तो इसके अंदर मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही मिल रही है मेरी, एंथ्रोपोलॉजी, मीन्स मनुष्य जाति का विज्ञान, तो मेरे पास पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर मिल रहा है। सेकंड पढ़ देती हूँ, आर्कोलॉजी, ये रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में चलेंगे हमारे पास एथनोलॉजी, ये रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ में चलेंगे एटीमोलॉजी, ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा 16th का आंसर बनेगा ए। इसके बाद मैं 17th क्वेश्चन में चलूंगी। 17th क्वेश्चन क्या कहता है, एन एक्सपर्ट इन एन एरिया ऑफ द फाइन और अदर आर्ट्स, मीन्स इसका क्या है, किसी ललित कला अथवा अन्य कला के क्षेत्रों में निपुण, तो वो कौन होता है, वो विशेषज्ञ ही होता है। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें इन सबके मीनिंग पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये कह रही हूँ, नियोफाइट मेरा बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग है। सेकेंड मेरे पास अमेचर, ये नहीं होता। सी में चलेंगे, हमारे पास होता है कॉनूसो, मैंने यहाँ पर देखिए इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिख रखी है, हो सकता है किसी को टिपिकल लगे, तो आप इसको बोल के भी देख सकते हैं, और इसका मीनिंग हमारे पास होता है विशेषज्ञ। तो यही चीज तो हम कह रहे हैं कि जिसको अच्छे से ज्ञान हो उसका, तो उसको हम बोलेंगे कॉनूसो। तो आंसर मेरे पास करेक्ट मिल जाएगा सी, और डी ऑप्शन में चलेंगे दैट इज एंथुसियास्ट, तो ये मेरी ऑप्शन बिल्कुल क्लियरली रॉन्ग हो जाएगी, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फोर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज इन अंडरलाइन सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। इसके अंदर क्या करना है, आपको इडियम और फ्रेज के बारे में बताना है कि कौन सा इसके अंदर फिट होगा। बहुत ईजी होते हैं ये क्वेश्चन, जस्ट आप देखिए उसका मीनिंग आपको अपने आप ही मिल जाएगा। तो मेरे पास 18th क्वेश्चन है, द प्रोजेक्ट इज कैरिड ओवर दिस ईयर And we need to keep the ball rolling. ठीक है, अब इसके अंदर हिंदी देख, एक बार हिंदी इसके देख लेंगे ना, तो हमें आंसर इसका अपने यहाँ पे मिल जाएगा। परियोजना को इस साल तक ले जाया गया है और हमें कार्य को जारी रखना है, means to keep the ball rolling. अब इसका आंसर क्या है मेरे पास, बिल्कुल क्लियर सा आंसर मुझे मिल रहा है, to continue the work. A option is wrong. Sorry, A option is right, और B option, C option and D option is wrong. Right. अब इसके बाद मैं next option, next question में चलूंगी। The host team bore the palm in the league matches.
मैंने इसकी हिंदी लिख रखी है, देखिए, मेजबान टीम ने लीग मैचों में विजय प्राप्त की, तो इसके अंदर मेरे पास सेकेंड ऑप्शन आ रही है, वॉज विक्टोरियस इज माय राइट ऑप्शन, एंड ए ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज रॉन्ग एंड डी ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर उसके बाद में अपने 20th क्वेश्चन में चलूंगी, जस्ट कीप योर विग ऑन, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, मीन्स केवल शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसके पास मेरी ऑप्शन आएगी मीन्स कीप काम, यहाँ पर मुझे याद है काम डाउन, शांत रहो मीन्स, तो मेरी ए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, बी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी और डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगी, सी ऑप्शन इज माई करेक्ट, राइट फ्रेंड्स। ओके, माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, फोर ऑल्टरनेटिव्स आर सजेस्टेड फॉर ईच क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ फोर एज योर आंसर। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक है वो हमें फिल करना है, हमें अप्रोप्रिएट ऑप्शंस इसके अंदर से चूज कर दिए हैं। तो सबसे पहले मेरे पास आता है 21st क्वेश्चन, करण सैट एट द टेबल डैश अ न्यूज़पेपर, तो इसके अंदर मेरे पास आंसर आएगा रीडिंग, मेरा ए बी सी रॉन्ग हो जाएगा, राइट, बिल्कुल सिंपल सा था। तो स्टूडेंट्स हमारे पास राइटिंग, विजिटिंग और लुकिंग, कोई भी इसका आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, करेक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास रीडिंग, क्लियर। इसके बाद 22 क्वेश्चन में चलेंगे, टू डैश वर सेंट टू द गैरिशन द टाउन, मीन्स इसके अंदर गढ़ की बात करी जा रही है, तो इसके पास जो मेरा आंसर आएगा, देखिए सबसे पहले आएगा मेरे पास आर्मीज रॉन्ग हो जाएगा, बी रेजिमीज रॉन्ग हो जाएगा, थर्ड के अंदर ट्रूप्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा, फोर्थ मेरे पास आता है रेजिमेंट्स मीन्स सैन्य दल, मैंने इसकी हिंदी करके लिख रखी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलूंगी, अ लार्ज डैश ऑफ एंग्री बाइसन रैम्पेज्ड थ्रू द विलेजेस, मीन्स इसके अंदर हमें बताना है ऑप्शन हमारी कौन सी आ सकती है। ए ऑप्शन में दे रखा है हर्ड, हर्ड हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रही है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास स्वान रॉन्ग हो जाएगा, ग्रुप रॉन्ग हो जाएगा और फ्लॉक रॉन्ग हो जाएगा, क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन है मेरे पास, वी कैन डैश सी एनीथिंग इन द डिम लाइट, मीन्स हम मुश्किल से ही डिम लाइट के अंदर देख पाते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है ए बैडली, ये मेरी रॉन्ग ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन आती है मेरे पास स्केयर्सली मीन्स मुश्किल से या हार्डली भी आप बोल सकते हो, तो ऑप्शन मुझे मिल रही है क्योंकि हम बहुत मुश्किल से ही लाइट डिम लाइट में देख पाते हैं, सी ऑप्शन मेरे पास आता है फेयरली वो रॉन्ग हो जाएगा, डी ऑप्शन आता है रॉन्ग, तो मेरे पास डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, तो मेरे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बी बनेगा, राइट। इसके बाद मैं अपने लास्ट क्वेश्चन में चलूंगी, मोस्ट चिल्ड्रन रिमेन डैश स्कूल बिटवीन द एजेस ऑफ 7 and 10, मीन्स बहुत से बच्चे 7 से लेकर 10 ईयर्स तक जो एज होती है उसमें स्कूल में होते हैं, मीन्स रिमेन है, रिमेन का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, रिमेन के साथ हमेशा एट आता है, तो मैं अब अपनी ऑप्शन के अंदर देख लूंगी एट कहाँ पे है, ए के अंदर इन आ रहा है तो रॉन्ग है, बी के अंदर अंडर आ रहा है तो वो भी रॉन्ग है, सी ऑप्शन में मुझे एट मिल गया रिमेन एट, तो मेरे पास आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा दैट इज एट, और डी ऑप्शन मेरी इनसाइड वो रॉन्ग हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास ये सुपर 25 क्वेश्चंस थे, तो मैं होप करती हूँ इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे पेपर के अंदर, तो आप बहुत अच्छे से दिमाग लगा के अच्छे से इनको पढ़ें, एक बार प्रैक्टिस करें, और अभी इसकी हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे लगता है कि जो जो स्टूडेंट्स इनको देखेंगे तो उनका मुझे बहुत ज्यादा होप है कि उन सबके ये टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, और आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने बेल आइकन के ऊपर प्रेस नहीं कर रखा तो प्लीज आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हमारे टाइमली वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।